बहुत ही ज्यादा लॉन्ग स्टे है, बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेटेड ये आईलाइनर इतनी इजीली बन गया है। ओ माय गॉड, घर में आइए इसको बनाना सीखे। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल रीना ब्यूटी हब में। तो यहाँ मैंने सबसे पहले वी वैक्स ले लिया है, काजल बनाने में बहुत यूज़फुल रहेगा, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने ये इस तरह से छोटे से दीपक में ये तेल ले लिया है सरसों का, और ये रुई ले ली है कॉटन, और यहाँ पे 3 कप भी ले लिए हैं, और एक प्लेट चाहिए होगी हमें बड़ी सी कवर करने के लिए। तो इस तरह से हमने इस दिए को यहाँ रख दिया, तेल के दिए को मैं इस तरह से ये डाल दूँगी कॉटन। इस तरह से 3 डाल दिए मैंने, क्योंकि जल्दी मुझे बनाना है, आधे घंटे बन जाएगा। इसको बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ज़्यादा प्रोडक्ट भी नहीं लगते, आप इसे आसानी से घर में बना सकते हैं। बनाने के बाद अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। जब भी आप दिए से काजल बनाएं तो ध्यान रखें दिए को ऐसी जगह रखें जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, एकदम अलग और खाली जगह पे रखें। इस तरह से 3 कप रख दिए और उसके ऊपर प्लेट रख दी मैंने, इस तरह से कवर किया। हो गया मुझे आधा घंटा, ये देखिए बन गया फिलहाल, और ये बुझ भी गया है दिया, क्योंकि पूरा तेल इसमें बन गया। ये काजल के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं प्लेट में कितना सारा बन गया है। ये जो काला काला है यही हमारा काजल होगा, और ये देखिए दिए की इस तरह से हालत हो गई है, क्योंकि जितना भी तेल था सब प्लेट में आ गया जल जल के। और इस तरह से मैंने ये खाली बॉटल ले ली है जॉय मॉइस्चराइजर की, और ये खाली कंटेनर ले लिया है मस्कारा या आईलाइनर का, जो भी आपके पास हो ले लीजिए। अगर आपको लिक्विड में बनाना है तो इसमें डाल लीजिए, और जेल में बनाना है तो जॉय का जो डिब्बा लिया है कंटेनर उसमें डालूंगी। और इस तरह से प्लेट में से मैंने ये निकाल लिया, जितना भी मैंने ये बनाया था इस तरह से खुरच खुरच के इकट्ठा कर लूँगी, और एक कटोरी में थोड़ा सा बी वैक्स मैंने घिस लिया है। इस तरह से कटोरे में गर्म पानी ले लिया, और उसमें मैंने बी वैक्स को इस तरह से हिलाया, मेल्ट कर लिया। इसे उबालना नहीं है, गर्म पानी में बस थोड़ा सा हिलाएंगे ना तो ये पिघल जाएगा। और जल्दी से हिला के हमें इसे उस काजल पाउडर में इस तरह से लेके डाल लूँगी और मिला लूँगी। अच्छे अच्छे से मिलाना है, कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। पूरा पूरा मैं जितना भी इसमें बी वैक्स से डाल लूँगी, जितना भी कटोरी में है, और जल्दी से मिला लेना है, क्योंकि गाइस बहुत जल्दी ठंडा होता है। ठंडा हो जाता है तो डरने की कोई बात नहीं है, हमें प्लेट को लेके हल्की आंच पे ऊपर से लेके गर्म कर लेना है इसी को, तो ये फिर से मेल्ट होने लगेगा अगर सूखा सूखा लगे तो। और हमें इस तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, विटामिन सी ऑयल या फेशियल ऑयल, जो भी आपके पास हो वो डाल सकते हैं। और अगर आप आईलाइनर बना रहे हो तो इसमें एसेंशियल ऑयल भी डाल दें खुशबू के लिए, बट ये काजल है, काजल में स्किप करें एसेंशियल ऑयल। और अब ये प्रोडक्ट देखिए इस तरह से मिक्स होने के बाद जेल आईलाइनर में कन्वर्ट हो गया है। अगर हमें इसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा पतला करना है तो देखिए इस तरह से हम और ऑयल डाल लेंगे। अगर आपको इसे लिक्विड फॉर्म में बनाना है, आईलाइनर बनाना है, तो ये देखिए पतला हो गया। हम इससे इस तरह से आईलाइनर बना सकते हैं, बट मैं अभी मैं आप फिर से ये प्लेट ले लूँगी, आपको डेमो दिखाती हूँ कि अगर हमने इस पाउडर में कुछ भी ना मिलाया हो, देखिए कितनी पिगमेंटेड बनता है कि नहीं बनता है। तो मैंने खाली पाउडर लगा लिया है, ये देखिए स्मच प्रूफ हल्का हल्का हुआ है, ये देखिए यहाँ पे स्मच हो गया। और जब मैं इसमें बी वैक्स वाला ये प्रोडक्ट लगाती हूँ जो मैंने बनाया है होम मेड, तो देखिए क्या होता है, ये बन जाता है बिल्कुल ही वाटर प्रूफ, और इस तरह से स्मच प्रूफ भी बन जाएगा, देखिए बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट बना है, इसकी देखिए पिगमेंटेटेड देखिए कितना अच्छा आया है कलर, कितना अच्छा ब्लैक आया है, जेट ब्लैक। और मैंने इसको आईलाइनर भी लगा लिया आँखों में, और इसको भी मैं इस तरह से दिखाने वाली हूँ, देखिए बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ, बहुत ही वाटर प्रूफ बना है, बहुत ही लॉन्ग स्टे वाला बना है ये। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा ये होममेड आईलाइनर? ये बहुत ही ज़्यादा वाटर प्रूफ है, लॉन्ग स्टे है, और पिगमेंटेटेड है, बहुत ही अच्छा बना है। आप इसको घर में एक बार जरूर ट्राई करें, बहुत ही इजीली बन जाएगा। अगर आपके पास बी वैक्स नहीं है घर में अवेलेबल, आप नहीं मंगा पा रहे हो, तो आप ना एक मोमबत्ती लीजिए, घर में सभी की अवेलेबल होती है, उस मोमबत्ती को ही इस तरह से पिघाल के क्रश करके इसमें आप डाल सकते हो, उससे ये लॉन्ग स्टे बन जाएगा। बट बी वैक्स की बात ही अलग है, वो हर कॉस्मेटिक में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से देखिए कितना अच्छा मेरा आईलाइनर इजीली बन गया है घर में।
तो किसी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज मेक श्योर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जहाँ भी आप एक्टिव हो, और सभी लोग इस वीडियो को देख के आईलाइनर घर में ही बनाना सीख जाएंगे, क्योंकि जो लोग महंगा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो इस तरह से ये जेल लाइनर एक बार जरूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा बनता है, इजिली बन जाएगा। और भी होममेड प्रोडक्ट देखने हैं तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इंतजार करूंगी आपके कमेंट का और मैं आपके लिए रिव्यू जरूर शेयर करूंगी। तो जल्दी से भर भर के कमेंट कीजिए कि आप कॉस्मेटिक में क्या बनाना सीखना चाहते हो। तो मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में जहाँ आप नई नई चीजें बनाना सीख सकते हो, DIY मेकअप। तो देखिएगा मैं क्या लेकर आने वाली हूँ, मेरी वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने मेरी इस वीडियो को पूरा देखा।